लड़की को रुला देगी ये तीन शायरी। हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ इमोशनल अगर चीज़ें रिश्ते में हो तो वो अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि उससे रिश्ते की जो बॉन्डिंग है वो बढ़ती है। तो कुछ शायरी ऐसी होती है, अगर आप लड़की को सुनाते हैं तो वो रो देती है। क्यों? क्योंकि वो इमोशनल होती है। ऐसी अच्छी अच्छी शायरी आप सुन लीजिए, इस वीडियो में बहुत ही खास है। सबसे पहली शायरी है, अपने दिल की चिंगारियां जरा जला कर तो देख, जबा धड़कनों को सजा कर तो देख, तुझे हो न जाए कहीं हमसे ही इश्क, जरा अपनी नजरें हमसे मिला कर तो देख। तो जब भी आप ऐसा कुछ कहते हैं तब सीधा आप उनके दिल को छू रहे हैं, अपने प्यार की बात कर रहे हैं, प्यार की गहराइयों की बात कर रहे हैं, दोनों के बीच में कितना अच्छा संबंध है, किस तरह से इस रिश्ते को हमने बनाया है और आगे भी हमें बनाना है। तो ऐसी चीज़ें जब आप कहते हैं तो सामने वाला इमोशनल हो जाता है, और लड़कियाँ ज़्यादातर इमोशनल हो जाती है और वो रो देती है। तो ये शायरी बहुत ही खास है, मैं चाहूँगा कि आप अपने पार्टनर को, अपने गर्लफ्रेंड को भेजें। दूसरी शायरी है, तेरे खामोश लबों पर मोहब्बत गुनगुनाती है, तेरे खामोश लबों पर मोहब्बत गुनगुनाती है, तू मेरी है मैं तेरा हूँ बस यही आवाज़ आती है। जब भी सामने वाले को ये एहसास कराए कि आप सिर्फ मेरी हैं, मैं सिर्फ आपका, प्यार को बहुत ही मजबूत बनाता है। और ये एहसास कुछ कुछ टाइम पे सामने वाले को दिलाना भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि क्या हो जाता है कि हमें वो इमोशंस आ रहे थे, फिर धीरे 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 ऊपर अलग अलग परतें चढ़ने लगती है, जिसकी वजह से वो उतनी एनर्जी नहीं रहती, लेकिन बार बार ये एहसास दिलाने से उनको बार बार ये एहसास रहता है। तीसरा है, आप और आपकी हर बात मेरे लिए खास है, आप और आपकी हर बात मेरे लिए खास है, यही शायद प्यार का पहला एहसास है। और आप कह सकते हैं कि एहसास मुझे हर दिन होता है, हर वक्त होता है, जब भी हम दोनों की बात हो या मैं आपको याद करता, मुझे वही एहसास होता है जैसे पहली बार प्यार हो रहा है, और यही एहसास मेरे लिए खास है, यही चीज दोनों के बीच में होना बहुत ही खास। तो ये तीनों शायरी ऐसी अच्छी है जिसे लड़की प्यार में रो सकती है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी शायरी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड, वीडियो को देख रहे सारे जीए बीए फरहांजा मजनू लैला जो भी, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई भी सवाल या सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर लिव बेटर।